नब्ज पर हाथ, दिल से बात, ऋषिकेश में कुछ ऐसा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड में ये दूसरी जनसभा रही। इससे पहले वह ऊधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत रुद्रपुर में आयोजित जनसभा में कुमाऊं मंडल की दो लोकसभा सीटों अल्मोड़ा व नैनीताल ऊधम सिंह नगर के मतदाताओं को साध चुके हैं। मोदी ने शुरुआत में गढ़वाली बोली में उपस्थित जनसमूह का अभिवादन किया। सभा स्थल मोदी के शोर से गूंजने लगा। तीर्थ नगरी और योग नगरी के रूप में विश्व भर में पहचान रखने वाले ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने संबोधन में देवभूमि उत्तराखंड से न केवल अपने जुड़ाव को प्रदर्शित किया अपितु आमजन के नब्ज पर हाथ रखकर अपनी भावनाओं को दिल से अभिव्यक्ति दी। विजय संकल्प रैली में एक साथ तीन लोकसभा सीटों के मतदाताओं को संबोधित करते हुए नमो ने प्रभाव रखने वाले हर वर्ग के लिए अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। साथ ही विपक्ष कांग्रेस पर एक के बाद एक करारे प्रहार करने से भी नहीं चूके, एक साथ तीन लोकसभा सीटों को साधा। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड में ये दूसरी जनसभा रही। इससे पहले वह ऊधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत रुद्रपुर में आयोजित जनसभा में कुमाऊं मंडल की दो लोकसभा सीटों अल्मोड़ा व नैनीताल ऊधम सिंह नगर के मतदाताओं को साध चुके हैं। पहले भाजपा ने प्रधानमंत्री की जनसभा हरिद्वार में आयोजित करने की तैयारी की थी, लेकिन फिर इसे ऋषिकेश में करने का निर्णय लिया। इसका कारण यह है कि ऋषिकेश गढ़वाल मंडल की तीन लोकसभा सीटों गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल व हरिद्वार के लगभग मध्य में स्थित है। यानी ऋषिकेश से प्रधानमंत्री ने इन तीनों सीटों के मतदाताओं से संवाद किया। सैन्य बहुल राज में बताए सैनिकों का पराक्रम। मोदी ने शुरुआत में गढ़वाली बोली में उपस्थित जनसमूह का अभिवादन किया। स्वयं मोदी को कहना पड़ा कि लोग शांत हो जाएं तो वे अपनी बात आगे बढ़ाएं। देवभूमि की परंपरा से स्वयं को जोड़ते हुए बोले कि होड़का नाथ देवताओं को आह्वान करने में ऊर्जा देता है और यहां उन्हें भी यह अवसर मिला। उत्तराखंड सैन्य बहुल राज्य है, इसलिए प्रधानमंत्री ने सेना के पराक्रम के साथ ही वन रैंक वन पेंशन योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस योजना में 500 करोड़ देने की बात करती थी, जबकि भाजपा सरकार ने 1,00,000 करोड़ से अधिक पूर्व सैनिकों को दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।